everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are fine. So this video is super super special because इस video में मैं आपको बताने वाली हूँ how you can learn English by reading. Okay? So read करके कैसे आप maximum level पर English को सीख सकते हैं. Following this method, आपकी pronunciation भी अच्छी होगी, your vocabulary would be enhanced and your sentence framing also would be better. Okay? So मैं आपको step by step इस video में बताने वाली हूँ कि कैसे हम रीडिंग कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं इस मेथड को यूज़ करने के लिए. ओके, ऑल यू नीड इज़ अ बुक और मैंने यहाँ पे ली है ये बुक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी. उसके अलावा चाहिए आपको एक नोटबुक, मैंने यहाँ पे एक डायरी ली है. उसके अलावा आपको चाहिए एक पेंसिल और एक पेन एंड यू आर गुड टू गो. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. तो अभी मैंने ओपन किया ये पेज और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कैसे रीड करूँगी. आई ग्रू अप विद अ फ्रेंड who came from neither privilege nor natural intellect. अभी मुझे privilege का मतलब नहीं पता तो मैं इसे underline कर लूँगी. Nor natural intellect. मान लो मुझे intellect का मतलब भी नहीं पता. But was the hardest working guy I knew. These people have a lot to teach because they have an unfiltered understanding of every inch of the road to success. His life's mission and dream as a teenager was to be a doctor. To say the odds were stacked. Stacked ki meaning nahi aati, to stacked maine underline kar liya. Against him is being charitable. Maine charitable bhi yahan pe underline kar liya. To is tarike se aapko pura page padhna hai. Main yahan pe loud pad rahi hu, man mein nahi pad rahi hu. Isse kya hota hai, isse hamari pronunciation achhi hoti hai. Jitna loud hum padhenge utni hamare pronunciation mein clarity aayegi. तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ 4-5 वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया है. अभी मैं पूरा पेज पढ़ लूँगी और यहाँ से सारे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको मैं इस नोटबुक में लिखूँगी. नाउ आई एम राइटिंग डाउन ऑल द वर्ड्स. तो फर्स्ट वर्ड मैं लिखूँगी प्रिविलेज. नाउ सेकेंड वर्ड intellect. थर्ड वर्ड stacked. इस तरीके से मैं सारे वर्ड्स को लिखूँगी. अभी मुझे क्या करना है, अभी मैं जाऊँगी गूगल पे और इन सब के मीनिंग्स को सर्च करूँगी कि इनका मीनिंग क्या होता है. ओके, अभी मैंने क्या किया, अभी सारे जो वर्ड्स थे जो मैंने लिखे थे उनके मीनिंग्स यहाँ पे लिख लिए. और ऑल्सो जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं उनकी मीनिंग्स तो उस वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस भी लिखे रहते हैं. यू कैन राइट दोज सेंटेंसेज ऑल्सो. उन सेंटेंसेस को भी आप साइड में लिख सकते हो जिससे आपको कॉन्टेक्स्ट याद हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में हमको इसको बोलना है. ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट वर्क ये होगा, यू हैव टू मेक योर ओन सेंटेंसेस. ठीक है, अभी हमने सबसे पहले किया था वर्ड्स लिखे, फिर हमने उनकी मीनिंग्स लिखी. अभी हम क्या करेंगे, अभी हम उनके खुद से सेंटेंसेस बनाएंगे, अपने सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे. सो अभी मैं बनाऊंगी कुछ सेंटेंसेस इन वर्ड से जो मैंने अभी सीखे. तो एक वर्ड मैंने स्टैग्ड सीखा तो मैं उससे अपना सेंटेंस बना सकती हूँ. द यूटेंसिल्स शुड बी स्टैग्ड अप, क्योंकि स्टैक का मतलब होता है फुल ऑफ पाइल्स ऑफ थिंग्स, मतलब कई सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हों. एक वर्ड है प्रिविलेज, मैं इससे भी एक सेंटेंस बना सकती हूँ. आई एम प्रिविलेज्ड टू बी हियर. ऐसे ही आप 2-3 sentences फ्रेम कर सकते हैं. ऑल्सो वन मोर थिंग इज़ कि आपको इन सेंटेंसेस को अभी अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है. किसी से बात करते टाइम आपको इन सेंटेंसेस को याद रखना है और इन्हें यूज़ करना है. इन वर्ड्स को याद रखना है, इन्हें यूज़ करना है. That is it for today's video guys. I hope you all like this video and this video was helpful for you. If it was, please do not forget to subscribe to my channel and like this video and share if you want to. Thank you so much for watching.